उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को राज्यपाल राम नाईक से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने राज्यपाल को प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। अखिलेश यादव ने राज्यपाल से कहा कि वो कानून व्यवस्था पर सरकार को जगाए। अखिलेश यादव ने राज्य में जंगल राज होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सपा नेता आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। सपा प्रमुख ने कहा कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वे शर्मनाक हैं। चेंबर और जेल में हत्याएं हो रही हैं। अपराधी जहां जा नहीं सकते वहां हथियार लेकर जा रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधियों को जेल में होना चाहिए। सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। अखिलेश यादव ने शनिवार सुबह करीब 10 बजे राज्यपाल से मुलाकात की और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की नव निर्वाचित महिला चेयरमैन दरवेश यादव की आगरा कचहरी में हत्या की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग की थी। अखिलेश यादव ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य की योगी सरकार पर निशाना भी साधा था। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।